अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मॉम्स किचन। विंटर स्पेशल मिर्ची की भजी, ये देखिए सिंपल सी रेसिपी है और आप बहुत ही यम्मी डिलीशियस एकदम बाहर के जैसी घर पर बना सकते हैं। ये मिर्च आसानी से मार्केट में मिल जाती है। देखिए ये बड़े साइज वाली मिर्च है, ये उतनी स्पाइसी नहीं होती, इसका तीखापन बहुत कम होता है। ये मिर्चों को अच्छे से वॉश कर लें। अब एक बाउल में ऐड करें 250 ग्राम्स बेसन, नमक 1.5 टीस्पून ऐड किया है, ये बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून, प्याज और हरे धनिया को अच्छे से वॉश कर लें। इसे बहुत थिन चॉप करना है, देखिए ऐसे। ये देखिए बेसन को अच्छे से अच्छी सी कंसिस्टेंसी में हमने ऐसे मिक्स कर लिया है पानी डालकर। अब एक मिर्च को ले लेंगे और उसे बीच में कट कर लेंगे ऐसे। इसके अंदर आप ये बैटर को भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप पाउडर जो बेसन होता है ना उसके अंदर अजवाइन डालकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने वो नहीं किया है, हमने ये बैटर को ही इसमें फिल कर दिया है। देखिए ऐसे फिल कर देने के बाद, सारे मिर्चों को ऐसे फिल कर देने के बाद, अब हम क्या करेंगे, तेल गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में ऐड कीजिए ऑयल, जितना कि हम डीप फ्राई कर सकते हैं उतना ऑयल ऐड कीजिए। अब हम मिर्च को इसमें हल्के से रोल कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी है इसे बनाना। देखिए फिर से हम इसमें रोल कर देंगे। अब इसे कढ़ाई में ड्रॉप कर लेंगे। सारे मिर्चों को ऐसे ही करते जाएं और ऐड करते जाएं। हमने 3 से 4 मिर्चों को इसमें ऐड किया है। एक साइड फ्राई होने के बाद हल्के से इसे टर्न कर लेंगे। देखिए मुंह में पानी आ रहा है देखकर, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। 2 साइड्स भी इक्वली ये पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, स्ट्रेनर की मदद से इसे निकाल लेंगे। अच्छे से ड्रेन कर लेना है और एक पैन में ऐड करते जाएंगे। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर में भी रख सकते हैं, ऑयल को सोक कर लेगा। देखिए गर्मा गर्म बढ़िया मिर्ची की भजी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे और एक तरीके से बनाएंगे। देखिए गरम गरम मिर्ची की भजी को काट लिया है हमने। यहाँ पे प्याज और धनिए को इसमें ऐड कर लेंगे। इसे ऐड कर देने के बाद प्लेट में लगा लेते हैं। ये मसाला भजी है, सारे भजी को ऐसे ही बीच में कट कर लेंगे और अनियंस को फिल कर लेते हैं। विंटर के इवनिंग्स में बनाए गर्मा गर्म भजी और गर्मा गर्म चाय के साथ, देखिए ऐसे फिल कर लिया है ना सबको। अब मैं और एक ट्रिक बताती हूँ, इसे काट कर ना भजी मसाला भी बनाते हैं, सिंपल सा। देखिए वो प्लेट में है ना, बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक है, इसे ज़रूर बनाएं। बहुत बहुत मज़ेदार था ये भजी मसाला और ये ऑनियन स्टफ्ड मिर्ची भजी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मॉम्स किचन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मॉम्स किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।